नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूथ इंस्पायर में स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एक नए मॉलवेयर की खोज की गई है जो जीमेल, नेटफ्लिक्स आदि जैसे अनेक प्रतिष्ठित ऐप्स से पासवर्ड और डेटा की चोरी करता है, इस मॉलवेयर का नाम क्या है? इसका उत्तर है ब्लैक रॉक मॉलवेयर। दूसरा क्वेश्चन है, एम्स नई दिल्ली में नव निर्मित न्यूली डेवलप्ड राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर सी एस चौधरी का निधन हो चुका है, उनका संबंध किस विषय से था? उत्तर है प्रोफेसर सह्याद्री जाने माने गणितज्ञ थे। चौथा प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे? इसका उत्तर है 20 जुलाई को। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिंद महासागर ईस्ट इंडियन ओशन में एक नई प्रजाति स्पेसिस की खोज की है, इस नई प्रजाति का नाम क्या है? इसका उत्तर है बेथिनोमस रक्सा सुपर ज्वाइंट बेथिनोमस। इस जीव को समुद्री कॉकरोच की संज्ञा दी गई। छठा प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टॉर्टोइज डे के अवसर पर कछुआ संरक्षण प्रोटेक्शन के लिए ऐप आधारित प्रणाली विकसित की गई है, इस ऐप का नाम क्या है? इसका उत्तर है कुर्मा। सातवां प्रश्न है, HCL कंपनी की चेयरपर्सन के रूप में किसने पदभार संभाला और किसी IT कंपनी की पहली महिला चेयरपर्सन बनने का गौरव प्राप्त किया? इसका उत्तर है रोजनी नडार मल्होत्रा। आठवां प्रश्न है, आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए किस नए फॉर्म को लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है फॉर्म 26AS। नौवां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में ज्वाइंट वेंचर करने का फैसला किया है? इसका उत्तर है रूस। दसवां प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय लोकसभा सेक्रेटरिएट ने किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ग्यारहवां प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है स्टीव वॉ। बारहवां प्रश्न है, किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है मरियाना वर्दिनाइलिस और दूसरा है मरियाना कोइत। मरियाना कोइत एक महिला है। तेरहवां प्रश्न है, वर्ष 2022 तक कौन सा राज्य प्रकृतिक रूप से खेती करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। चौदहवां प्रश्न है, किस संगठन द्वारा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया गया है? इसका उत्तर है DRDO। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
15वां प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन ने सबसे कम समय में 100 योगासन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका उत्तर है समृद्धि कालिया। सोलवा प्रश्न है, भारत सरकार के किस राज्य में स्थित भागीरथी इको सोसाइटी जोन के जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। सत्रहवा प्रश्न है, नवीन रोजगार छतरी योजना अनुसूचित जातियों के लिए किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 18वां प्रश्न है, द इन गेम उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है एस हुसैन जैदी। हमारा आखिरी प्रश्न है, एसोचैम के अनुसार 2020 में भारत का मसाला निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? इसका उत्तर है 23%। आज के लिए इतने ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मैसेज भेज सकते हैं। इंग्लिश तथा करंट अफेयर की वीकली वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।